तो फाइनली दोस्तों मैं लेके गया आपके लिए कोई नई वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपने थंबनेल पे सही देखा है कि बैकग्राउंड को कैसे रेडी कर सकते हैं अपन पोस्टर के लिए, जैसे कि आपको मैं सैंपल्स दिखा देता हूँ कुछ, जैसे पिकार्ट के अंदर ही दिखा देता हूँ कि मैंने एक ख़राब बैकग्राउंड को अच्छे में कैसे कन्वर्ट कर दिया, जो कि बाकी एडिटर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आज की इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा एंड साथ के साथ उसे डाउनलोड कैसे करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं सॉरी दोस्तों एक बार यहाँ से मैं प्लस पे आता हूँ एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे मेक एक कॉलेज वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर मैं आपको दोनों दिखा दूंगा कौन कौन से मैं मतलब इससे मैंने ऐसे कुछ करके बनाया है। मैं इनके भी एक बार चेंज कर देता हूँ, मतलब इसमें देख सकते हो जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है वो नीचे वाले बैकग्राउंड से मैंने बनाया है एंड नीचे वाला बैकग्राउंड कैसे बनाया है वो भी आपको बता दूंगा एंड इसके अंदर कलरिंग कैसे की वो भी आपको पूरा बता दूंगा आज की इस वीडियो में। तो आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक जिससे कि आप भी अच्छे समझ पाओ एंड अपना बैकग्राउंड बना सको। तो चलिए दोस्तों अब आपको पूरा एडिट प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करना है। ये ऐप आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे हैं बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड करें, तो यहाँ पे जो भी आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करना हो तो आप क्या करना है, मैं कौन से बैकग्राउंड यूज करता हूँ सर्च पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है कार्टून बैकग्राउंड, आपको ये लिख के सर्च कर देना है। जो अपनी कार्टून वीडियो आती है आपने देखा होगा, छोटे बच्चे देखते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो आपको डाउनलोड करने। अब कैसे बैकग्राउंड डाउनलोड करना है, जैसे ये वाला बैकग्राउंड है ना, मल्टीपल कलर होने चाहिए उसमें, एक सेम कलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब ये वीडियो है, ये तो वीडियो है, वीडियो गलती से क्लिक हो गया था और जैसे कि इसके अंदर अच्छा सा ये है, इसके अंदर ग्रीन भी है, येलो भी है एंड स्काई भी है, सारे कलर है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद और ऑप्शन मिल जाएंगे। ये वाला भी हमने बहुत यूज किया था थंबनेल्स के अंदर। अब इसको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके अब एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं। अब आप बोलते हो कई भाई कि डाउनलोड नहीं होती, यहाँ पे थ्री डॉट पे आप जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कई भाई बोलते हैं यहाँ पे डाउनलोड पे अपन क्लिक कर रहे हैं तब भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे सो डाउनलोड ऊपर इमेज डाउनलोड दिखा दी, अगर नहीं होता तो वापस बैक कीजिएगा, वापस वहाँ पे जाइएगा एंड इमेज डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे कुछ करके आपको यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं तो इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अगला काम आपका होता है दोस्तों पिकार्ट के अंदर। पिकार्ट अब आपको कैसे यूज करना है इसमें आपको पूरा स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। तो इसको यूज करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, एडिट फोटो पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड लेना है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है बैकग्राउंड का एंड यहाँ पे ये आपको वाइट बैकग्राउंड दिख रहा होगा ये वाला, इस पर आपको क्लिक करके ये वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। देन आपको यहाँ पे नीचे क्रॉप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब टूल्स क्रॉप जो भी आप क्रॉप वाला ऑप्शन है वैसे, एंड यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है क्रॉप, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे 16:9 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये वाला जो YouTube वाली रेशियो है YouTube वाली साइज, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे राइट कर देना है। तो इस पर जिसे आपने क्लिक किया अब आपको आगे स्क्रॉल करना है, आगे स्क्रॉल करना है, देन एड फोटो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ एंड मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी जो मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किया है, जिसे मैंने ये बैकग्राउंड अभी डाउनलोड किया है एंड इसको ऐड कर लूँगा। ऐड करते इसको इतना जो कुछ जूम करूँगा एंड क्रॉप पे क्लिक करूँगा एंड 16:9 में इसको क्रॉप कर लूँगा। आपको यह ध्यान रखना है नीचे ज़्यादा लेना है, ऊपर स्काई तो वैसे ही बहुत है तो अपन इसको इतना लेंगे। इतना लेने के बाद अब क्या करेंगे, इसके अंदर अपन एक साइड थोड़ा बहुत अलग बैकग्राउंड ऐड करेंगे। उसके लिए अपन क्या करेंगे, वापस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन एक अलग बैकग्राउंड जो अपने डाउनलोड किया है जो अपने हिसाब से देख लेना, आपको क्रिएटिविटी करनी है तो वो आपका बैकग्राउंड लेना है। जैसे मैं ये वाला लेता हूँ एक साइड एंड इसको यहाँ पे आपको लेने के बाद फ्लिप रोटेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे कोने में, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अनेबल कर देना, आप अपने हिसाब से कीजिएगा आपको कौन सा ऑप्शन अनेबल करना है। तो मैं इसको इतना करूँगा जैसे यहाँ पे, देन अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसको इरेज कर दूँगा। इरेज ऊपर आपको मिल जाएगा, एक बार आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मिला ऊपर इरेज, ये वाला ऑप्शन है इरेज वाला, कई बार नहीं समझ पाते हैं तो उनको बता दीजिए। इरेज पे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, ये हार्डनेस है इसकी, इसको आपको क्या करना है बिल्कुल सॉरी दोस्तों इसको बिल्कुल जीरो, देन उसके बाद ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी है, इसको ओपेसिटी बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है इसको आपको करना है 80 के लगभग एंड जो इसकी साइज है ये इसकी साइज है तो आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं इतना रख रहा हूँ इसको। एंड यहाँ पे अप्लाई कर देना है इरेज पे,
ये देख सकते हो दोनों बैकग्राउंड मिलके एक बैकग्राउंड बना देंगे। तो ऐसे कुछ करके ये मैंने इसको रेडी कर लिया। अब इसको क्या करूँगा, मैं सीधे यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। दोस्तों ये आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें के अंदर आपको मैं कलरिंग करके पूरा बता रहा हूँ। उसके लिए अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है Lightroom। Lightroom एप्लीकेशन को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ कई दिनों से, इसका मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, एंड इसका मैं और भी आगे ट्यूटोरियल लाता रहूँगा जिससे कि आप भी अच्छे से समझ पाओगे। Lightroom को ओपन करता हूँ मैं, इसका मैं आपको फुल ट्यूटोरियल भी दूंगा। अभी आप देख सकते हो इसके अंदर मैं 98 फोटोज ऐड कर रखी है, मतलब मैं और डिलीट भी करता रहता हूँ, तो उस वजह से मैंने 98 फोटोज पे इसमें वर्क किया हुआ जिसे मैं यहाँ पे। अब आपको इसको ओपन करते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है, ऐड फोटो या तो इस पर क्लिक कीजिएगा या आप जो ऑल फोटोज दिख रही इस पर क्लिक करना है। देन ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आप ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है, ऐड फाइल्स में आपको आ जाना है, एंड जो आपने अभी बैकग्राउंड सेव किया था पिकार्ट से आप इसको ले लीजिएगा। इसको जिसे मैंने ऐड कर लिया, ये वाला बैकग्राउंड आ चुका है। अब इसको आपको पहले देख लेना है कैसा है। अब इसको अपन अपने हिसाब से करना है दोस्तों, ये नहीं आप मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ आप वही करो, बस आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। आपको आगे आके यहाँ पर लाइटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, आप इसमें क्या करना है, एक्सपोजर से जो ऊपर वाला ऑप्शन इसको थोड़ा बहुत बढ़ाना है, कंट्रास्ट इसको थोड़ा बहुत बढ़ाना है, हाईलाइट इसको थोड़ा बहुत बढ़ाना है, इनमें सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। बस जो नीचे ब्लैक वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा सा डाउन करना है, मतलब इसको 20 के लगभग कर देना है। अब आप सोच रहे हैं इसको फर्क तो पड़ ही नहीं रहा भाई, आगे आपको आगे पता लग जाएगा फर्क पड़ता है या नहीं। अब आपको आगे इसका ऑप्शन कलर वाला ऑप्शन दिखाएगा, ये वाला मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ वो वाइट हो रहा है देख सकते हो। एंड अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टेम्परेचर इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, देन इसको यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा बहुत और बढ़ा देता हूँ टेम्परेचर को, हाँ टेम्परेचर को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10-15, आपको इतना कर देना, आपको अपने हिसाब से करना है, मेरे हिसाब से नहीं। एंड जो टिंट वाला ऑप्शन इसको थोड़ा बहुत मतलब माइनस में लेना है, -20, जितना आप टेम्परेचर करो उतना ही इसको टिंट वाले ऑप्शन को करना है। एंड यहाँ पे ब्राइटनेस है इसको आपको थोड़ा बहुत बढ़ाना है, एंड नीचे सेचुरेशन है इसको थोड़ा बहुत बढ़ाना है, इनको दोनों को बढ़ाते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे एक मिक्स वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने सारे कलर ओपन हो जाएंगे। इसमें क्या करोगे आप, जिसका सेचुरेशन है रेड कलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अभी सेलेक्ट वैसे रेड ही है, अपन इधर से स्टार्ट करना है तो अपन रेड को फुल कर देंगे, इतना कर लेंगे कुछ नहीं करेंगे बस। जो उसके बाद ये थोड़ा वो ऑरेंज टाइप में कलर है इसको आपको सेलेक्ट करना है, एंड इसको भी यहाँ पे सेचुरेशन को प्लस में कर देना है फुल, इसको इतना करना है। देन येलो कलर है इसको भी प्लस में आपको फुल कर देना है, जो भी आपको कलर फिल करना है अच्छे से उसको प्लस में फुल करते जाओ। देन ग्रीन कलर है इसको मैं प्लस में फुल कर दूंगा, एंड इसकी यहाँ पे आपको ऊपर थोड़ा बहुत अगर आपको इसको पूरे बैकग्राउंड को येलो बनाना है तो आपको इधर साइड इसको खींच के ले जाना है, तब देख सकते हो तो येलो बन चुका है। एंड ये भी देख सकते हो क्या सुंदर बैकग्राउंड बनकर रेडी हुआ। आप कई बार येलो भी यूज कर लिए, यहाँ पे थ्री शेयर पे क्लिक करके सेव टुगेदर आप इसको करके सेव कर लेना। अगर आपको येलो चाहिए तो येलो में कर लिया, एक बार दो बैकग्राउंड बनाना बता रहा हूँ, एक ही बैकग्राउंड कई सारे बैकग्राउंड बना सकते हो कलरिंग करके। देन अब आपको वापस इधर प्लस वाली साइड आना है, एंड इसको यहाँ पे फुल कर देना है, फुल करते देख सकते हो ग्रीन हो गया। एंड उसके बाद आपको आगे जो स्काई कलर है इसको आपको क्लिक करना है, एंड इसको सेचुरेशन को फुल कर देना है। देन उसके बाद आपको ये थोड़ा ब्लू कलर है इसको आपको यहाँ पे तो इसको ऐसे कर देना है, एंड इसकी सेचुरेशन को फुल कर देना है। उसके बाद ये येलो कलर है, येलो कलर को आपको बढ़ा देना है, एंड वापस वो सॉरी दोस्तों पिंक कलर इसको भी आपको बढ़ा देना है, अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड अब आपको यहाँ पे डन कर देना है, तो ये अपना कलरिंग करके रेडी हो चुका है। अब आप आपको ऊपर शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला है ना, अब आपको एक बार दिखाता हूँ मैंने इसको कैसे ठीक किया। जैसे कि यहाँ पे मैं टैप करके रखता हूँ, ऐसा था ये बैकग्राउंड, मैंने इसको ऐसे कर दिया। शेयर पे क्लिक करूँगा, नीचे आपको सेव टू डिवाइस दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर वेट करना है, देन यहाँ पर एक्सपोर्ट सक्सेसफुली हो गया, ओके कर देना है। अब आ जाना आपको पिकार्ट के अंदर वापस। दोस्तों आपको वीडियो वाले थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ जिससे कि आप भी अपना पोस्टर इनहेंस कर सको, अच्छा बना सको। यहाँ पे इसको मैं डिस्टार्ट कर दूंगा, देन अब वाइट कलर सेलेक्ट रखना है दोस्तों, आपको वाइट बैकग्राउंड ले लेना है अगर नहीं है सेलेक्ट, एड फोटो पर क्लिक करना है, देन जो मैं अभी बैकग्राउंड सेव किया था उसको ले लूँगा यहाँ पे, एंड ऐड कर लूँगा, ये मैं इसको ऐड कर लिया, एंड इसको इतना कुछ ऐसे कुछ करके यहाँ पे बराबर फिट कर दूंगा इसको। नीचे आगे आके उस आगे आने से पहले आपको क्या करना है, ऊपर इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन इरेज पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हार्डनेस को बिल्कुल कम, ओपेसिटी को थोड़ा बहुत कम, एंड साइज को 50 रखना है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर देना है।
मतलब जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे ना वहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा अप्लाई करना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा भाई, बीच बीच में थोड़ा सा अप्लाई कर देना है एंड यहाँ पर राइट कर देना है। इतना करते अब आपको इस पर क्लिक करके रखना है। आगे आके आपको इफेक्ट्स वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ये वाला इफेक्ट्स वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर और ऑप्शन सेलेक्ट हो तो ब्लर पे क्लिक करते हैं, आपको इधर आगे आना है एंड लेंस ब्लर पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो वापस इस पर टैप करना है तो इसकी पूरी सेटिंग्स खुल जाएगी। आपको जो इसकी लाइटनेस है इसको आपको बिल्कुल कम कर देना है एंड जो इसको रेड्यूस है इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, कैसा आपको रखना है। जैसे इतना ब्लर हो रहा है इतना नहीं रखना मुझे इतना सा ही रखना है, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेता हूँ, हाँ इतना रखना है मुझे। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगा और अपना बैकग्राउंड बनके रेडी भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये बैकग्राउंड, अब यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है ऐसे कैसे देख सकते हो, राइट करके डाउनलोड कर लेना है। इसमें आप अपनी फोटो ऐड करके इसको यूज़ में ले सकते हो। दोस्तों ये मैंने आपको अच्छे से ट्यूटोरियल दे दिया एंड जो आप ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ ये आप वो सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है एंड आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।